बड़ी खबर दतिया से। दतिया जिला अंतर्गत तहसील भांडेर के वार्ड क्रमांक एक निवासी पवन रजक पुत्र शिरोमण रजक ने विगत दिन पुलिस अधीक्षक को आवेदन देकर भांडेर थाना पुलिस पर FIR न लिखने और सही घटना का उल्लेख न करने का आरोप लगाया। पवन रजक ने कहा, मेरे भहनोई पुष्पेंद्र रजक के साथ 12 लड़कों ने 22 नवंबर 2020 को भांडेर मेरी प्रेस की दुकान पर आकर मारपीट की और वार्ड क्रमांक एक सिकंदरपुर मेरे घर पर पहुंचकर मेरी बहन और माँ की जबरदस्त मारपीट घर में घुसकर की। इस घटना को मैंने भांडेर थाना पुलिस को बताया तो उन्होंने FIR ना कर केवल अदम चेक काटा और मेरी द्वारा बताई घटना नहीं लिखी गई। विगत दिन पुलिस अधीक्षक को आवेदन देने के बाद राष्ट्रीय मुलायम रजक निवासी कुडीला थाना सरसई जो रिश्ते में मेरी बहन के ससुर लगते हैं के द्वारा फोन पर मेरे हाथ पैर काटने और ज्यादा नेतागिरी ना करने की धमकी दी गई। सवाल उठता है कि पुलिस के द्वारा इस घटना में लीपापोती क्यों की गई? क्या पुलिस बड़ी घटना होने के बाद ही FIR काटती है? फिलहाल पूरा परिवार डरा सहमा है, जान से मारने की धमकी भी दी जा रही है। पुलिस मूक दरकश बनी बैठी हुई है, कोई भी बड़ी घटना आगे हो सकती है। पुलिस की कार्रवाई पर सवालिया निशान खड़ा हो रहा है। आप सुनिए घटना की कहानी फरियादी की जुबानी। पीड़ित पक्ष के दबंगों द्वारा फोन पर हाथ पैर काटने और जान से मारने की धमकी दी गई। आप सुनिए ऑडियो टेप। सवाल ये उठता है कि क्या कोई इस परिवार के साथ बड़ी घटना होने के बाद ही पुलिस कोई कार्रवाई करेगी? कहीं ना कहीं इस मामले में भांडेर पुलिस की अहम भूमिका संदेह के घेरे में है। आपको बता दें, वायरल ऑडियो की पुष्टि हिंदुस्तान टुडे नहीं करता है। वहीं हिंदुस्तान टुडे द्वारा भांडेर थाना प्रभारी से बात की गई, लेकिन उस पर तुरंत ही फोन रख दिया गया। आइए सुनाते हैं ऑडियो। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबीता है। हमारे घर में 10-12 लड़की घुस आए और हम उन्हें पहचानते नहीं थे। उनमें से 6 लोगों को पहचानते थे और उन्होंने हमारी मारपीट की। हमारे ही ससुराल वाले थे वो। ससुराल वाले थे? हाँ। क्या नाम है उन लोगों को? उन लोगों का नाम पुष्पेंद्र रजक, धीरेंद्र रजक, मुलायम सिंह रजक, दीपू रजक और अश्विनी खटीक, अभिषेक रजक। क्या मामला है आपका? जी, मेरा नाम पवन रजक है। मेरे पिताजी का नाम श्री श्रोमण सिंह रजक। मैं वार्ड नंबर 1 में रहता हूँ भांडेर में, और मेरी दुकान पर मारपीट की 12 लड़कों ने, और जिसमें से मैं 6 लड़कों को जानता हूँ, जिनका नाम धीरेंद्र, पुष्पेंद्र, मुलायम रजक, अभिषेक रजक, अश्विनी खटीक है। रहने वाले का? रहने वाले हम भांडेर के हैं। वो लोग मारने वाले आरोपी जो है ना, वो कुड़ीला के रहने वाले हैं, जो कि कुलैया कुड़ीला। हाँ, हमारी बहन है, हमारी बहन भी आई है, और ये बहनोई ने किया है हमारे। और उन्होंने, जब मैं वहाँ से दुकान से बचकर भागा, तो उन्होंने मेरा पीछा किया। मैंने एक बलबीर यादव का मकान के दरवाजे पिछले गेट के खुले देखे, तो मैं अपनी जान बचाकर उनके अंदर प्रवेश कर गया और आगे के गेट से निकलकर भागा। तब उन्होंने घर पर जाकर मुझे मारा, और मेरी माँ जी को मारा, वो मुझे मारा और कहा हम तुम्हें जान से मार देंगे। FIR नहीं किया? हमने FIR की थाने में, तो जिस प्रकार हमने FIR में बताया था, उसमें ऐसा कुछ लिखा नहीं गया। उन्होंने पुलिस में की मिली हुई है क्या उन लोगों? हमें तो ऐसा ही लगता है, क्योंकि जिस प्रकार हमने बताया, उस प्रकार वो हमारा कोई भी विवरण उसमें लिखा नहीं गया। हेलो। हाँ बोलो। हेलो बोलो। हेलो। हाँ बोलो। तो हाँ, जाते रहे तो बहुत आगे बढ़ रहे थे ना। हाँ, तो एम का कर सकते हो मालूम है? सुनी के नहीं है? आगे ज्यादा नहीं बढ़ो, सोच लियो पहले आगे हम का कर सकते हो, समझ गए कि नहीं? दादा आगे नहीं हो, हाथ पाँव काट लेना। सुन ले के नहीं? हाँ। क्या कह रहे? दादा आगे नहीं भरो। तो घर ही है, अरे हम सब जने। आ जाओ तुम, किसी दादा हो। रात में आ जाओ। हाँ, आ जाओ, रात में आ जाओ तुम। जो तुम्हें करना हो वो कर लीजिए। अभी तो तुमने मोड़ा हुआ किलो समझ के मारो। अब हम सब सुन के मारे तारीख को फिर मारे तुम? कहा है? सबको मारे हो? हमें सबको मारो। छोड़ो,
जाओ तुम हमारे घर ही आ जाओ। रात के नहीं आए, रात में आओ नहीं, का दिक्कत थे। आपको बता दें वायरल ऑडियो की पुष्टि हिंदुस्तान टुडे नहीं करता है। वही हिंदुस्तान टुडे द्वारा भांडेर थाना प्रभारी से बात की गई, लेकिन उस पर तुरंत ही फोन रख दिया गया। आइए सुनाते हैं ऑडियो। हेलो हेलो, हाँ जी नमस्कार। नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे से बात कर रहा हूँ मैं, भोपाल से। ये पवन रजक का मैटर आया है सिकंदरपुर का। क्या? पवन रजक का मैटर आया भांडेर से सिकंदरपुर का। सर इसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है, उसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और उसका आदम चेक काट के उसको संतुष्ट कर दिया गया। सर इस पे क्या कहेंगे आप?